रामानाथपुरम की पावन धरा में, पवित्र धरती में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज सुबह हम पहुंच चुके हैं रामानाथपुरम में। दोस्तों, रामेश्वरम नगरी हमारे देश का एक पवित्र तीर्थ स्थल है और यह तमिलनाडु के रामानाथपुरम जिले में आता है। यह तीर्थ के चार धामों में से एक है। श्री रामानाथपुरम मंदिर में स्थापित भगवान शिव जी का शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है, वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 425 मील दक्षिण पूर्व में स्थित है। दोस्तों, ऐसा मानते हैं कि ये जो रामेश्वरम शहर है, यह पहले भारत भूमि से जुड़ा हुआ था, लेकिन लहरों के कारण धीरे धीरे समय के साथ यह थोड़ा सा भारतीय प्रायद्वीप से अलग हो गया और वर्तमान में यह पम्बन ब्रिज के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, चेन्नई से रामेश्वरम जाने वाली बस का अंतिम स्टॉपेज रामेश्वरम ही है और रामेश्वरम पहुंचते तक लगभग बस पूरी खाली हो चुकी थी और ये था पहला नज़ारा रामेश्वरम का। दोस्तों, बस की टाइमिंग 8 बजे रामेश्वरम पहुंचाने की थी, लेकिन हम 7:30 बजे ही रामेश्वरम पहुँच गए। हम हैं रामेश्वरम में और हम लोग पहुँच गए 7:30 में, 7:30 में ही पहुँच गए और टाइमिंग था करीब 8:30। ये रूम है, ब्लैंकेट, टावल, 1200 रुपये का रूम, फैन, टीवी अभी लगा नहीं है, नया नया बना है तो गीजर लगा बेस्ट है और ये कुछ ऐसा, ओनली 1200 रुपये। चलें उसका अपनी कैब दे दो। चलो तो चलो आगे, चलो आराम से ना। मंदिर के चारों ओर आपको शुद्ध शाकाहारी भोजनालय मिल जाएंगे और चारों तरफ वॉकिंग डिस्टेंस में ही काफ़ी सारे होटल हैं जहां आप ठहर सकते हैं और यहां आसपास का आनंद उठा सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये रहा यहां का साउथ इंडियन डिश। जैसे ही आप मुख्य मार्ग से आएंगे तो सबसे सामने आपको ये वाला द्वार नज़र आएगा। राज्यपाल महोदय के आने के कारण यहाँ भी दर्शन कुछ समय के लिए रोक दिया गया है, तो चलिए तब तक हम अन्य स्थानों पर जो कि आसपास में ही लोकेटेड हैं वहाँ घूम कर आते हैं और देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर तीर्थ स्थल। इधर जाने का 1000 रुपीज़ और इधर जाने का 800 रुपीज़। तो फ्रेंड्स, आज हम लोकल प्लेसेस यहाँ पर देख रहे हैं। साथियों, मंदिर से हम ऑटो पकड़कर पहुंच गए कुछ ही दूरी पर स्थित गंधमादन पर्वत। ऐसा माना जाता है कि इस पर्वत के ऊपर में भगवान श्री राम के चरणों के निशान हैं, तो इसलिए कभी भी यदि आप रामेश्वरम आए तो इस मंदिर पर घूमने जरूर आए, दर्शन करने के लिए एक बार जरूर आए। यहां पर से आप प्रकृति का और समुद्र का खूबसूरत सा नज़ारा देख सकते हैं। दोस्तों, ये है पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। हाँ बेटा, साथियों, ये वही समुद्र में तैरने वाले पत्थर हैं जिनकी मदद से भगवान श्री राम ने समुद्र में पुल का निर्माण किया था और श्रीलंका पर चढ़ाई की थी।
साथियों, रामेश्वरम और रामानाथपुरम मुख्य मार्ग पर ही स्थित है भगवान नटराज का एक मंदिर। तो दोस्तों, ये है नटराज, भगवान शिव जी का मंदिर, नटराज मंदिर। ये आप ऊपर भी देख सकते हैं, चारों तरफ किस तरीके से सुसज्जित, बहुत ही अलग ही तरह की यहाँ शांति और अलग ही तरह की सुकून की अनुभूति आप यहाँ पर कर सकते हैं। और ये है लक्ष्मण भगवान शेष नाथ जी का मंदिर, जिसमें शेष नाथ जी का मंदिर है आगे में। क्या है, मछली है क्या? दोस्तों, ये है श्री APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल, जो हमारे भारत देश के महामहिम राष्ट्रपति रहे हैं, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ अंदर मोबाइल कैमरा वगैरह अलाउ नहीं है, इसलिए वो हम नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन मीठा पानी, ठीक, थैंक यू। पानी का कलर यहाँ पर हरा 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 पानी और बहुत जोरदार हवा, ठंडी ठंडी हवा। दोस्तों, आप देख रहे हैं हरा हरा समुद्र, और ये है पंबन ब्रिज रामेश्वरम। और ये जो इस दिशा में है, ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और ये दिशा जो है, ये आप देख रहे हैं, ये है हिंद महासागर, और सामने है रामेश्वरम, और इधर जाएंगे तो रामानाथपुरम। और ये आप भीड़ देख, फ्रेंड्स, ये है पंबन ब्रिज, जो कि यहाँ से जब ट्रेन आती है तो दोनों ट्रेन, आप पटरी देख रहे हैं, जुड़ जाता है आपस में, और जब ट्रेन चले जाती है, बोट आती है, तो इसको फिर से वापस खोल दिया जाता है। इस दिशा में लेफ्ट हैंड साइड में बंगाल की खाड़ी, और इस दिशा में राइट हैंड साइड में हिंद महासागर आप देख सकते हैं, और ये दोनों का मिलन है। यहाँ पर दोनों जो है, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर एक हो जाती है। और ये जो पुराना पुल, और वहाँ जो आप देख रहे हैं बड़ा सा बन रहा है, वो नया पुल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इसका कलर ना हरा कलर है, एकदम स्वच्छ हरे कलर का पानी। फ्रेंड्स, अभी शाम का वक्त हो रहा है, हम घूम रहे हैं अभी रामेश्वरम की गली।
दोस्तों सबसे पहले हम पहुँचे अग्नि तीर्थम और वहाँ पर से फिर स्नान करके हम चले गए रामेश्वरम मंदिर में। चूँकि भीड़ कम था इसलिए हमने शाम को ही दर्शन कर लेने का फैसला किया। और उसके बाद जैसे आप अग्नि तीर्थम में स्नान करके जाएंगे तो मंदिर के अंदर आपको 22 कुंड मिलेंगे अलग अलग नाम से। प्रत्येक कुंड में सीरियल नंबर लिखा हुआ होगा और उस कुंड का नाम लिखा हुआ होगा। यदि आप पर्सनल किसी पंडित को पकड़ कर ले जाते हैं तो प्रत्येक कुंड में वह आपको पर्सनली स्नान करवाएगा बाल्टी से पानी डाल के। और लेकिन यदि आप किसी को नहीं पकड़ते हैं तो सामान्य सबके ऊपर पानी छींटा जाएगा जिसमें आप भी शामिल होंगे। तो इस प्रकार प्रत्येक कुंड से स्नान करने के बाद आप लाइन में लगेंगे और श्री रामनाथ स्वामी जी का दर्शन करेंगे। दोस्तों मंदिर के चारों ओर गलियारे बने हुए हैं जिसमें पौराणिक चित्र उकेरा गया है ऊपर, और सभी पिलहरों में काफ़ी सुंदर नज़ारा है और ये चारों दिशाओं में है। इधर आप पूरा भ्रमण करने के बाद आप मंदिर के लिए कतार में लग सकते हैं। यदि कोई बड़े हैं बुजुर्ग है तो उनके लिए से अलग से शुल्क दे करके आप एक और लाइन में जा सकते हैं। दोस्तों यदि आप 22 कुंडों का पानी अपने साथ लाना चाहते हैं तो आसपास में दुकान भी है, वहाँ से 10-20 रुपए में आप एक डिब्बा खरीद करके ला सकते हैं और वो जो 22 कुंड है जो कुएँ हैं उसमें से पानी आप अपने घर भी ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स मोबाइल गीला ना हो जाए इसलिए मोबाइल हमने अपने जेब में रख लिया अंदर पॉलीथीन के अंदर, और इस तरीके से 22 कुओं से पानी निकाल के आपको स्नान कराया जाए। साथियों आप अपने साथ सूखा कपड़ा ले जाना बिल्कुल ना भूलें। 22 कुंड का स्नान हमारा हो गया है, बहुत भीग गए हैं, एक एक बाल्टी, और अब हम जा रहे हैं दर्शन के लिए। 22 कुंड, पूरे 22 कुंड का स्नान हुआ। तो जब आप पूरे 22 कुंड में स्नान कर लेंगे वन बाय वन तो उसके बाद फिर आप मंदिर की ओर दर्शन के लिए जा सकते हैं अंदर। इधर अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, शाम का वक्त है इसलिए खाली खाली, और हम लोग का स्नान हो गया। अब हम सीधे जा रहे हैं दर्शन के लिए। बोलो जय श्री राम, हर हर महादेव। और गैलरी कुछ ऐसा है चारों ओर भव्य है, अलग ही अनुभूति आपको यहाँ पर, आनंद की अनुभूति होगी, सब आपको भागते दौड़ते हुए दिखेंगे। अभी चूंकि शाम का वक्त है इसलिए थोड़ा हमको अच्छा सा मौका मिल गया स्नान के लिए भी और यहाँ पर दर्शन के लिए भी हम लोग जा रहे हैं। फ्रेंड्स फिर हम स्टार्टिंग वाले जगह में आ गए जहाँ पर हम आए थे। चारों तरफ स्नान करने के बाद अब वापस फिर उसी जगह पे अब हम दर्शन के लिए जाएंगे। इधर से बाहर आना है। साथियों ये मुख्य मंदिर है, सामने कैमरा अलाउड नहीं है इसलिए मैं सामने से आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन साइड से कुछ ऐसा है आप देख सकते हैं। अग्नि तीर्थम ये देखिए। दोस्तों वैसे तो आप यहाँ 12 महीने में कभी भी आ सकते हैं, गर्मियों के समय में थोड़ी गर्मी ज़्यादा रहती है और वैसे घूमने का समय सितंबर से मार्च तक का बेस्ट टाइम यहाँ भ्रमण के लिए और दर्शन के लिए माना जा सकता है। मंदिर के चारों ओर अद्भुत मंत्र मुग्ध कर देने वाली कलाकृतियाँ आप सहज ही देख सकते हैं और यहाँ पर आप तो साथियों मंदिर में दर्शन के लिए आपको 1-2 घंटे में दोस्तों अब हो गया हमारा दर्शन। इसके बाद आप चाहें तो आसपास में स्थित भोजनालय में शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। ये है ईस्ट द्वार, पूर्वी द्वार, श्री रामनाथ स्वामी मंदिर में प्रवेश। तो फ्रेंड्स भगवान राम जब रावण का वध करके आए तो सबसे पहले वो यहीं अग्नि तीर्थम नामक जो स्थान है यहाँ पर भगवान राम स्नान किए। उसके बाद फिर मंदिर में जा करके पूजा अर्चना की उन्होंने, और वहाँ पर 22 कुंड बने हुए हैं तो प्रत्येक कुंड में वहाँ पर बारी बारी से स्नान करना है। और सबसे पहले ये अग्नि तीर्थम नामक स्थान है यहाँ पर, सबसे यह है रात का दृश्य, रात का नज़ारा। साथियों यहाँ पर आप यदि दिन में आते हैं तो वोटिंग की भी व्यवस्था है, वोटिंग में आप 100 रुपये का टिकट कटा करके समुद्र में वोटिंग का आनंद ले सकते हैं।
रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी जी के मंदिर के पूर्वी तट पर स्थित अग्नि तीर्थम का ये है खूबसूरत नज़ारा। कुछ ऐसा दृश्य दिखता है आपको रात्रि में। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।